हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में करंट अफेयर टॉपिक से रिलेटेड मोबाइल ऐप और पोर्टल के बारे में जानेंगे। यदि आप लोग एग्जाम में करंट अफेयर का क्वेश्चन डाला जाता है तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा मोबाइल ऐप या पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इस वीडियो में टोटल नंबर ऑफ 30+ क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे वीडियो आप लोग जल्दी से देख पाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग से किसी क्वेश्चन का आंसर बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, इससे पता चलेगा आप लोग तैयारी कैसी है, एक प्रकार का आप लोग का टेस्ट भी हो जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, यम योगा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। यम योगा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यम योगा ऐप लॉन्च किया गया, यानी ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण रेखा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। लक्ष्मण रेखा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राइट आंसर होगा IIT मंडी के द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, आप लोग लगे जो क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं उसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं रिवीजन करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, जीवन सेवा ऐप किसके ने लॉन्च किया। सॉरी, जीवन सेवा ऐप किसने लॉन्च किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली सरकार के द्वारा जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया गया, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। आप लोग जरूर ध्यान रखना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। किसी भी राज्य का, उस राज्य का राजधानी, राज्यपाल, दिल्ली एक शासित प्रदेश है लेकिन वहां के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। हम राज्य की बात कर रहे हैं तो किसी राज्य की राजधानी और उस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को आप लोग हमेशा याद रखें, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। ठीक है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई लर्न ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। आई लर्न ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागालैंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। चलिए आप लोग बताइए, नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नागालैंड में वर्तमान में मुख्यमंत्री, नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नमस्ते योग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। नमस्ते योग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा नमस्ते योग ऐप लॉन्च किया गया था। आयुष मंत्रालय की स्थापना, बहुत बार पूछा है क्वेश्चन कि आयुष मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी, 2014 में। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए यदि पता ना हो तो। आयुष मंत्रालय की स्थापना 2014 में हुई थी। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर की बात की जाए तो नई दिल्ली में, कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, आनंदा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। आनंद या आनंदा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? राइट आंसर होगा LIC के द्वारा। किसके द्वारा? LIC के द्वारा, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। LIC के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, जैसे LIC की स्थापना कब हुई और इसका प्रमुख यानी CEO अभी वर्तमान में कौन है, इसका आंसर आप लोग, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तीनों का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसके वर्तमान में CEO या अध्यक्ष कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए LIC के। ठीक है, तीन क्वेश्चन है आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग को बताना है। आनंदा ऐप LIC के द्वारा लॉन्च किया गया था, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभियम ऐप किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। अभियम ऐप जो है किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? राइट आंसर होगा जगन मोहन रेड्डी के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, परिश्रम पोर्टल ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। जो परिश्रम पोर्टल ऐप है किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? उड़ीसा सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन बी आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छता अभियान ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। स्वच्छता अभियान ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थावरचंद गहलोत, जो वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं। अभी वर्तमान में एक कर्नाटक के राज्यपाल हैं, आप लोग ध्यान रखना, थावरचंद गहलोत, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी मोबाइल ऐप सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। दी मोबाइल ऐप
किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तमिलनाडु सरकार के द्वारा दी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था, यानी ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई संपदा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ई संपदा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ई संपदा ऐप लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, टाई कैथान पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया शिक्षा एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा टाई कैथान पोर्टल लॉन्च किया गया था, यानी ऑप्शन बी आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, कृषि सखा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर होगा भारतीय एक्सो जनरल इंश्योरेंस के द्वारा कृषि सखा ऐप लॉन्च किया गया, ऑप्शन डी आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैपी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसरो के द्वारा, यानी ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई छावनी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय के द्वारा ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया गया था, ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, सुगम्य भारत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया ऑप्शन सी, सामाजिक एवं न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय के द्वारा सुगम भारत ऐप लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल ओशियन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा डिजिटल ओशियन ऐप लॉन्च किया गया, यानी ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यदि आप लोग वैक्सीनेशन करवा चुके होंगे तो कोविन पोर्टल के बारे में ऑलरेडी आप लोग सभी लोगों को पता होगा, यानी ऑलरेडी आपने रजिस्ट्रेशन किए होंगे अपने हाथ से तो पता होगा, नहीं तो आप लोगों को नहीं पता होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, भारत सरकार के द्वारा कोविन पोर्टल को लॉन्च किया गया था, यानी ऑप्शन बी आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीआर इनसाइट ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब सरकार के द्वारा पीआर इनसाइट ऐप लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई मोबाइल पे ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आईसीआईसी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी मुख्यालय कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताइए, सभी लोगों को लिखना है इसका आंसर, आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यानी मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम शक्ति पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जुन मुंडा के द्वारा श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 22, उद्यम सारथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अश्विनी पोर्टल या वंडर ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और वर्तमान में वहां के राज्यपाल कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए, बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता दर्शन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जनता दर्शन ऐप लॉन्च किया गया, आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑप्शन डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वहां के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश का? आई होप सभी लोगों को पता होगा,
सभी लोग बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन विल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, वुमेन विल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। राइट आंसर होगा गूगल के द्वारा। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रणीत पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, प्रणीत पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। राइट आंसर होगा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी ऑप्शन डी आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएमई एंश्योर पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, एसएमई एंश्योर पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या होगा, सी अलायंस इंश्योरेंस के द्वारा। किसके द्वारा? अलायंस इंश्योरेंस के द्वारा, यानी ऑप्शन सी आप लोगों का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा राशन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मेरा राशन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पोषण ज्ञान पोर्टल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, पोषण ज्ञान पोर्टल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। राइट आंसर होगा नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा कौन है, पोषण ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछते हैं, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है, इसके अध्यक्ष कौन है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट करना है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी और सेकेंड जो क्वेश्चन, नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। इन दोनों का क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, लिटिल गुरु ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, लिटिल गुरु ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इसको आप लोग रट लीजिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बांग्लादेश को दिया गया था भारत सरकार द्वारा विकसित करके। यह संस्कृत लर्निंग ऐप है, जो यह लिटिल गुरु ऐप है यह संस्कृत लर्निंग ऐप है जो बांग्लादेश का है, लेकिन भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया था, भारत बांग्लादेश द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन यह भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया था। आप लोग इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो लिटिल गुरु ऐप है किसके द्वारा विकसित किया गया था। आप लोग याद रखना, भारत द्वारा यह विकसित किया गया था, लेकिन बांग्लादेश द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके लिए यह बनाया गया है? एक संस्कृति लर्निंग ऐप है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुपेस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, सुपेस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर सरकार के द्वारा, सॉरी ऑप्शन बी होगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। सुपेस पोर्टल जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लॉन्च किया गया था, यानी ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोवाइड पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया था, कोवाइड पोर्टल जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा कोवाइड पोर्टल लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोमा मार्केट ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मोमा मार्केट ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मणिपुर सरकार के द्वारा मोमा मार्केट ऐप लॉन्च किया गया, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसके लॉन्च किया गया? सीबीएसई के द्वारा। किसके द्वारा? सीबीएसई के द्वारा यह लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अमृत वाहिनी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, अमृत वाहिनी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी झारखंड सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? झारखंड सरकार के द्वारा। झारखंड के बारे में आप लोग जो भी जानते हो, जैसे वहां के मुख्यमंत्री कौन है, वहां के राज्यपाल कौन है और झारखंड की राजधानी क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिट कोविड 19 ऐप के द्वारा लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा हिट कोविड 19 ऐप लॉन्च किया गया है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बाल स्वराज पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? बाल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा बाल स्वराज पोर्टल लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या था? कोविड 19 से प्रभावित बच्चों को देखभाल हेतु इस ऐप को लॉन्च किया गया था, यानी किस ऐप को? बाल स्वराज पोर्टल को, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन 37 क्वेश्चन, जो आई होप आप लोग सभी लोग को पसंद आए होंगे। पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी अमेजिंग भरी वीडियो
पाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।